वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल ट्रेडिंग क्वेश्चन फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। मेरा टारगेट है 200 क्लिच प्लस सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करना है। मैं जो डिस्कशन करूंगा दोस्तों ये पार्ट टू है। अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये मोस्ट ट्रेडिंग क्वेश्चन जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है। अभी हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, एडम्स फॉरवर्ड टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों। एडम फॉरवर्ड टेस्ट स्कोलियोसिस के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए किया जाता है? स्कोलियोसिस के लिए, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लासेगुयस टेस्ट, लो बैक पेन विद हार्निएशन ऑफ डिस्क एंड लुम्बोसेक्रल नर्व इरिटेशन, उसमें किया जाता है दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखें। रेटर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्लामिडिया है। एंगुलर टोमाटाइटिस डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? ओके, विटामिन बी टू जिसको राइबोफ्लोविन नाम से भी जाना जाता है। एंगुलर टोमाटाइटिस दोस्तों जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन इन मेंटल इलनेस, ऑडिटोरी दोस्तों, ऑडिटोरी हालुसिनेशन। फर्स्ट नॉट रिसर्चर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों। ऑनिकोमाइकोसिस फंगल नेलबेड इंफेक्शन दोस्तों, इसको ऑनिकोमाइकोसिस बोल के ही बोला जाता है। जानुएस लेजियन सीन इन व्हिच डिजीज? इन्फेक्टिव एंडोकाइटिस दोस्तों। व्हाट इज ओवन बोन? इमैच्योर बोन्स वीक एंड फाइब्रस, ये भी जरूर याद रखना है। कोल्ड शॉक इज ऑल्सो नोन एज हाइपोवोलेमिक शॉक दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एम्स लेवल का क्वेश्चन है। ओके, जरूर इसको याद रखिए। ब्रेस्ट मिल्क व्हिच फैटी एसिड प्रेजेंट? ओके, डिकोसा हेक्साकोनोइक एसिड दोस्तों, ये फैटी एसिड प्रेजेंट है। डोज ऑफ बीसीटी एट द एज ऑफ एज आफ्टर 1 ईयर सब एज? ओके, तो न्यूबॉर्न में 0.05 ml दिया जाता है, 6 मंथ में 0.1 ml दिया जाता है, आफ्टर 1 ईयर 0.5 ml दिया जाता है, इसको जरूर याद रखें। एंटी रेबीज वैक्सीन व्हिच गिवन इन व्हिच मसल दोस्तों? डेल्टॉइड मसल, इसको जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन ट्राक्यूस्टोमी इंसिजन चिल्ड्रेन में अपर 2 एंड 3 रिंग में किया जाता है, फॉर चाइल्ड मोस्टली वर्टिकल वर्टिकल इंसिजन दोस्तों। ट्राक्यूस्टोमी का तो जरूर एक टू क्वेश्चन आता है, मैं एम्स लेवल में एग्जाम दिया हूँ, ट्राक्यूस्टोमी का जरूर आता है एक टू। इन एडल्ट 3 to 4 रिंग मोस्टली इन प्रोसीजर रूटीन हॉरिजॉन्टल एंड इमरजेंसी वर्टिकल, ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद दिए। लेप्टोस्पायरोसिस ट्रांसमिशन हुई ऑकर व्हिच वेक्टर? यूरिन मोस्टली रेड दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, इन मोस्टली रेड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एरलिक टेस्ट। एरलिक टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों? यूरोबिलिनोजन के लिए किया जाता है, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैरिकोसिल, ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैरिकोसिल का क्या होगा? ओके, इनफर्टिलिटी होगा दोस्तों। उसके बाद मोस्ट कॉमन हार्ट फेल्योर व्हिच साइड बाय हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन के वजह से अगर हार्ट फेल्योर होता है कौन साइड होता है? फर्स्ट इज लेफ्ट साइड देन राइट साइड हार्ट फेल्योर दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। व्हिच लाइव वैक्सीन नीड बूस्टर डोज? पोलियो फर्स्ट बूस्टर डोज 14 to 16 weeks एंड सेकेंड इज 5 ईयर दोस्तों, इसको जरूर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे व्हिच विटामिन लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, नियासिन और विटामिन बी3 दोस्तों। ड्यूरिंग विंडोज पीरियड बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट एचआईवी, ओके, ड्यूरिंग विंडोज पीरियड बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट एचआईवी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हिच आर्म यूज फॉर द चिक टेस्ट? लेफ्ट आर्म, लेफ्ट फॉर आर्म दोस्तों, और लेफ्ट आर्म भी बोल सकते। सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन न्यूबॉर्न आरपीटी दोस्तों, 1:24 में दोस्तों पोजिशन इन आसाइटिस एक्युमुलेशन फ्लूइड इन द पेरिटोनियम, ओके, तो उसमें कौन सा पोजिशन दिया जाएगा? फाउलर्स पोजिशन। व्हिच डायुरेटिक ड्रग्स एक्ट्स ऑन रेनल
कैलकुली दोस्तों, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। रेनल कैलकुली थियाजाइड डायरेटिक्स दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। उसके बाद व्हिच डायरेक्टेड ड्रग्स कॉज ऑफ हेपाटिक एनसेफालाइटिस, एसिटाजोलामाइड दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। व्हिच टीबी मेडिकेशन कॉजेज द जंडिस, आइसोनियाज़िड। द फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन इज स्ट्राटम ग्रैनुलोसम, इटन इज द रिजल्ट बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पैराधर्मोन, इसको भी जरूर याद रखना है। द लार्जेस्ट वेन इज द इंफीरियर वेना कावा दोस्तों, द सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई लेवल टू नॉर्मल लेवल इन यूनिट क्राइसिस, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिन जॉइंट, एनिमा यूज टू चेक द डायरिया दैट इज इमोलिएंट एनिमा दोस्तों, एनिमा यूज टू चेक द डायरिया दैट इज इमोलिएंट एनिमा, द लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन इज द पेरिटोनियम, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर ऑल टुगेदर इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल दोस्तों, 46, द पार्ट ऑफ द सेल दैट बाइंड्स टू एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, इसको भी जरूर याद रखिए। पुनेट स्क्वायर इज यूज फॉर फाइंडिंग जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। व्हिच ड्रग यूज फॉर द फीटल थेरापी ऑफ कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया, डेक्सामेथासोन, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोसेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म इज कैरियोटाइप, FISS stand for fluorescence in situ hybridization, इसको भी जरूर याद रखो दोस्तों। 143 में LOD logarithm of odd score measure he likelihood of linkage between genes, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 144 में ये sweat test or newborn screening में भी used to detect cystic fibrosis दोस्तों, ये भी जरूर याद रखना है। उसी बात दोस्तों देखेंगे बार बॉडी इज फाउंड इन व्हिच फेज ऑफ द साइकिल, इंटरफेज, इसको भी जरूर याद है। गुथरी टेस्ट इज डन इन न्यूनर्स फॉर द मास स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया, इसको इनबॉर्न सेरोस मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना टेस्ट आता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसका जरूर एक बार हाईलाइट करिए। व्हेन ए पर्सन रिट्रीट फॉर revert to an infantile or childish level of behavior is called regression, ये भी जरूर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे type of immunoglobulin involved in anaphylaxis, immunoglobulin E दोस्तों, immunoglobulin E, इसको भी जरूर याद रखो। 149 में which is the method of administration of heparin, intravenous, इसको भी जरूर याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मसल ऑफ स्केरिटल, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी दोस्तों। थैंक यू, अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।